हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हाजिर हूँ आपके लिए काफ़ी सारी फिल्मों की OTT रिलीज डेट लेके, जहाँ पर आपने काफ़ी सारी फिल्मों के क्वेश्चन किए थे, तो उनमें से काफ़ी सारी फिल्मों की OTT रिलीज डेट आ गई है। लेकिन इससे पहले बता दो यार, चैनल खतरे में है, आपको तो पता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है, चैनल कभी भी जा सकता है एक और स्ट्राइक आते ही, जिस वजह से बैकअप के लिए एक नया चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो जाके बैकअप के लिए उसे फॉलो कर लेना। तो शुरुआत करेंगे गणपत से। जो भी मेरे भाई दोस्त परेशान थे गणपत के लिए, तो गणपत की तरफ से एक टीजर अनाउंस हो चुका है। सोनी मैक्स ने इस टीजर को अनाउंस किया है यूट्यूब पर, जहां पर इस फिल्म को पहले 10 मार्च को रिलीज किया जा रहा था, लेकिन अब ये फिल्म आपको 28 अप्रैल को दोपहर के 12 बजे देखने को मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था ना कि इसका OTT प्रीमियर हो सकता है, तो 28 अप्रैल मतलब समझ सकते हो पूरा एक महीने से भी ज़्यादा टाइम है, तो OTT प्रीमियर होना अनिवार्य ऐसा लग रहा है, यानी कि नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म आ सकती है। और जैसे इसकी रिलीज डेट या सरप्राइज रिलीज होगी, तुम्हारा भाई तुम्हें अनाउंस या कन्फर्म या अपडेट जो भी आप समझ सकते हो वो सब दे देगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करूँगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है फाइटर, जो फिल्म आपको जल्द यानी कि 21 मार्च को देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 21 मार्च को फाइटर आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी, जिसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट के लिए लोग तरस रहे होंगे, तो भाई रुक जाओ, कल को तो कल या परसों आपको मिल ही जाएगा। लेकिन वहीं बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है रोमियो रांझा, जो कि पंजाबी फिल्म होने वाली है, 26 मार्च को चौपाल TV पे आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन वहीं बात करूंगा वार्निंग 2 की, जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा भड़कड़ा रहे हैं, क्योंकि भाई फिल्म इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है। हाल फिलहाल में ये फिल्म बहुत सारे सिनेमाघरों में चल रही है, कुछ नहीं कह रहा, बहुत सारे सिनेमाघरों में चल रही है पंजाब में, तो जी हाँ दोस्तों कनाडा में अब भी लगी हुई है, तो लोग सोच रहे हैं भाई ये OTT पे कब आएगी, कितना टाइम लेने वाली है। तो मैं आपको बता दूं इस फिल्म के राइट चौपाल पे हैं, और अच्छी बात यह है कि चौपाल इसे नेक्स्ट मंथ रिलीज करने वाले, जिसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट यानी कि रिलीज डेट का ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी जल्द यानी कि आने वाले 2 हफ्तों के बीच आपको देखने को मिल जाएगा, और जिसे आप तक पहुंचाना आपके भाई का काम है यार। अब बात करूंगा मैं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है रामा राव ऑन ड्यूटी, जिसके लिए भर भर के कमेंट आते थे, तो यहां से एक काफी बड़ा अपडेट निकल के आया। कल सोनी मैक्स ने एक टीजर लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा एक्शन सुपर किंग्स, जहां पर काफी सारी साउथ फिल्मों के उन्होंने टीजर यानी कि ग्लिम्प्स दिखाई, जिसमें रामाराव ऑन ड्यूटी भी था। और ये जो तड़का है यानी कि एक्शन सुपर किंग्स जल्द आ रहा है, यानी कि आप समझ सकते हो रामाराव ऑन ड्यूटी आपको अप्रैल के इसी महीने में देखने को मिल जाएगी आपको सोनी मैक्स के TV चैनल पर। देन उसके बाद तो आपको ये OTT या YouTube पर प्रीमियर होती हुई नजर ही आने वाली है। लेकिन वहीं चलता हूँ नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की अच्छी खासी कमाई रही और ये कमाई अब भी चल रही है सिनेमाघरों में, ठीक ठाक अब भी फिल्म चल रही है, कुछ नहीं तो 8-9-7 लाख रुपए कमा रही है, जो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो इसका ये लास्ट वीक ही होगा जिसके बाद ये फिल्म आपको OTT प्रीमियर करती हुई नज़र आने वाली है Amazon प्राइम पर। जी हाँ दोस्तों, Amazon प्राइम पर ये फिल्म आपको 5 अप्रैल को देखने को मिलेगी, तो 5 अप्रैल तो आपको पता है जल्द आ रहा है, करीबन 2 हफ्ते बचे। अब बात करूंगा मैं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है शैतान, जो कि हाल फिलहाल में सिनेमाघरों में चली है, 100 करोड़ का आंकड़ा तो वर्ल्ड वाइड एक हफ्ते में ही पार कर गई थी, अब नेट बॉक्स ऑफिस पे भी कर ही लेगी। लेकिन ये फिल्म OTT पे कब आएगी, तो आपको इसके लिए काफ़ी अच्छा खासा वेट करना होगा, क्योंकि ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर 3 मई को देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सुना 3 मई को, तो आसपास में घर हैं तो सिनेमाघर मतलब तो आप जाके वहाँ देख सकते हो, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कर लो 3 मई तक का, जो कि मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वहीं बात करूँगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है क्रैक, आपको तो पता है फिल्म का एक्शन लोगों को मनपसंद एक्शन मिला है एक तरीके से, फिल्म जिस जिसने देखी है उसको, और कुछ लोग इसे नहीं देख पाए तो अब कह रहे हैं ये OTT पे कब आएगी, तो ये OTT पे आपको जल्द Disney+ Hotstar पे देखने को मिलने वाली है, जिस फिल्म को 19 अप्रैल को रिलीज़ किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, 19 अप्रैल को। लेकिन वही बात करूँ योद्धा की, तो इसका एक्शन भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, फिल्म का कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा है और लोगों को फिल्म भी पसंद आ रही है। लेकिन कुछ लोग जो सिनेमाघर के पास नहीं रहते, नहीं देख पाते किसी वजह से, वो कह रहे हैं भाई OTT पे कब आएगी, तो भाई अभी रिलीज़ हुई है, तो मेरा काम तो बनता है आपको OTT रिलीज डेट बताना। तो मैं आपको बता दूँ ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी, जिस फिल्म को 10 मई को रिलीज़ किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, 10 मई को, पूरा आपको पता है 1.5 महीने से ज़्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन अब वही मैं बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली हनुमान, जो कि आपको मैंने कहा था कि जियो सिनेमा पे और TV पे ये तुरंत ही आ जाएगी और वहाँ पर ही आ गई, लेकिन हिंदी में आ गई, साउथ का क्या हुआ ये पूछ रहे हैं लोग, साउथ में कहाँ आएगी, तो जी
फाइव पर ये साउथ की सारी भाषाओं में यानी कि चारों भाषाओं में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में देखने को मिलेगी, जिसका जल्द ऑफिशियली रिलीज डेट भी रिवील कर दी जाएगी और ये आने वाले एक दो हफ्ते में साउथ की सारी भाषाओं में भी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो यही थी वो फिल्में जो OTT प्रीमियर करने जा रही हैं, रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी हैं और जिनकी अपडेट मैंने आपको दी उनकी भी हो जाएगी जल्द ही। और आपको मैं बता ही चुका हूँ बैकअप चैनल के लिए भाई आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ये चला जाएगा चैनल तो फिर मैं कहाँ पर आपको बैकअप की बातें बताऊँगा। अगर आप चाहते हो तो OTT अपडेट, नहीं तो भाई क्या ही मैं कह सकता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।